हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एग्जाम से रिलेटेड। आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम है, 2 मई को हुआ था, 3 बजे, 3 साढ़े 3 से लेकर 5 बजे तक। मतलब इस दिन का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम आपको यह देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो थर्ड शिफ्ट का एग्जाम में हम जो करने वाले हैं वो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं ये किस तरह से एग्जाम में आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, बोला कि दो सेट दिए गए हैं, 14, 20, 26, 22, 28, 34 का। तो आप इसमें देखो, छह छह का डिफरेंस से इधर ज्यादा दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों में छह छह का डिफरेंस है। तो हमें एक ऑप्शन ऐसा चूज करना जिसमें क्या हो, छह छह का डिफरेंस हो। तो इसी में आपका छह का डिफरेंस है, बाकी ऑप्शन खुद ट्राई करके देखिए कि उनमें क्या लॉजिक लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि ए जे एम को के एच वाई लिख दिया गया, टी बी सी। तो यहाँ पर अल्फाबेट यूज कर लीजिए आप, A1J10 और M13 होता है, और इसको 11, 8, और ये आपका क्या लिख दिया, Y को 25 लिख दिया। अगर मैं क्रॉस करके देखूं तो आप क्रॉस करके देखोगे तो आज सभी में -2 हो रहा है। अब आप कहोगे कि 1 से 25 कैसे, -2 कैसे, क्योंकि 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 27 लिख सकता हूँ, क्योंकि 26 पर जेड होता है, फिर आपका 27 आता है ए। ठीक है, तो सेम आपको इसमें लॉजिक लगा के देखना। तो यहाँ पर हम जो लॉजिक लगाएंगे वही लगाएंगे। तो इसने बोला कि पीछे से ऊपर गए हैं तो +2 कर दो, सिंपल सा क्वेश्चन है। टी आपका 20 होता है, बी आपका 2 होता है, सी आपका 3 होता है। क्रॉस करके क्या करो आप, +2 कर दीजिए, इन सभी में +2 कर दीजिए। तो यहाँ पर 22 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा। तो यहाँ से ई आएगा, डी आएगा, और 22 पर कौन सा आता है, वी आता है। तो ई डी वी आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ मैं, सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं अब तक आपके। बोला कि स्टेटमेंट में ऑल आर आर एम, सभी आर क्या है, एम है। ठीक है, सम एस आर आर, कुछ एस क्या है, आर है, ये लो भाई एस लगा दिया। तो कंक्लूजन क्या बोला कि सम आर आर एस, क्या कुछ आर एस है, हाँ स्टेटमेंट ने दिया गया तो ये ठीक है। सम एम आर नॉट आर, क्या कुछ एम आर नहीं। तो स्टेटमेंट ने क्या बोला कि सारे के सारे आर एम है, तो आर जो है एम का कुछ हिस्सा ले रहा, तो नॉट का तो कोई मतलब ही नहीं होगा, तो गलत हो जाएगा ये। ठीक है, तो सम आर आर एम, कुछ आर एम है, कुछ आर आर एम, सम आर आर एम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता भाई, ये गलत है, क्योंकि एम सम एम आर आर होना था। अगर ये ऐसी सिचुएशन आती, सम एम आर आर होता, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इन्होंने चूज करा है। तो मेरी तरफ से तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, कंक्लूजन। ठीक है, देखते हैं, इन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड को दिखाया गया है। तो इस क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है आंसर में, तो आप प्लीज एक बार अपनी तरफ से बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं आपका, सीरीज का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन दे रखा है। बोला कि एम ओ क्यू एस, आप देखोगे कि एम 13 पर आता है, क्यू ओ 15 पर आता है, क्यू 17 पर आता है, एस 19 पर आता है। दो दो का गैप है, तो अगला दो का गैप करेगा तो 21 आएगा। 21 पे कौन सा आता है, यू, तो वी को हटाओ। ओके, आगे लास्ट लेटर दोनों मैच हो रहा है, तो हम सेकंड यूज करेंगे। तो ये ओ 15, एम 13, के 11, आई 9। तो अब की बार -2 करे है, तो आगे -2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 पर जी आता है, यू के बाद जी आना चाहिए, तो एच नहीं आएगा, तो ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, स्टेटमेंट बोला कि जे और के अलग अलग हैं। ओके, सम के आर एल, कुछ के क्या है, एल है, ये लो। सम के आर नॉट जे, क्या कुछ के जे नहीं हो सकते, और सम एल आर नॉट जे, ये किस तरह के आंसर दे दिए इन्होंने। जब के जे से रिलेटेड नहीं करेगा तो यहाँ तो सम और नॉट का कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। हाँ ये आपका राइट हो सकता है, तो मेरे ख्याल से सेकंड कंक्लूजन राइट होगा। तो यहाँ पे भी आप एक बार मैच कर लेना कि आपका ऑप्शन ठीक है या गलत। अगर ठीक है तो मेरे गलत है, तो वो क्यों गलत है वो प्लीज आप मुझे जरूर बताइएगा। मेरा ऑप्शन रहेगा थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ मैं आपका, नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय 6 बॉलर, 6 बॉलर हैं जो नंबर ऑफ विकेट ले रहे हैं। तो मैं 6 बॉलर है तो 6 की पोजीशन दे देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय कमल आर मोर देन ओनली द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय अनिल।
ये क्या दे दिया, नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय बिट्टू आर लेस देन ओनली टू बॉलर्स, जो नंबर ऑफ विकेट है बिट्टू की वो दो बॉलर से कम है, तो यहाँ दो बॉलर से कम है तो ओनली टू बॉलर्स, ओनली टू बॉलर्स याद रखना, ओनली तो ओनली सिर्फ दो ही दिखाने, तो एक दो यहाँ पर हम बिट्टू को बैठा देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय मोहन आर नॉट मोर देन बिट्टू, जो नंबर ऑफ विकेट्स हैं तो मोहन से बिट्टू से क्या है कम है, बिट्टू से ज्यादा नहीं है, तो मोहन इन तीनों में कहीं पर भी आ सकता है, वो अमोंग टेकन मोर विकेट देन बिट्टू, बिट्टू से ज्यादा कौन विकेट ले सकता है। चलो फिर देखते हैं, नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय कमल आर मोर देन ओनली द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय अनिल, ये लाइन समझ नहीं आ रही, नंबर ऑफ विकेट, चलो इसने ये बोला है कि जो कमल ने विकेट ली है वो केवल अनिल ने जितनी विकेट ली है ना उनसे ज्यादा है, तो अनिल ने मान लो दो ली है, तीन ली है, जितनी भी ली है वो कमल जो होगा ना अनिल से ऊपर होगा, सीधा सिंपल सी चीज ये दी गई है। ओके, मान लो अनिल ने एक विकेट ली है, ये वाला ये इस पोजिशन पर आ चुका है अनिल, ठीक है, और कमल ने इसका एक और लिया है, तो इसका एक और लिया तो यहाँ पर कमल को हम बैठा देते हैं, ठीक है, अनिल के ऊपर, और बोला है जो मोहन जो है ना वो बिट्टू से कम विकेट ले रहा है, बिट्टू से कम, तो बिट्टू से कम ये आ गए, ये आ गया, अब ये एक ब्लैंक बचा, तो यहाँ पर हम मोहन को बैठा देंगे, हो गया कंप्लीट। बोला कि बिट्टू से ज्यादा विकेट लेने वाला कौन है, भाई कमल भी नीचे है, अनिल भी नीचे है, मोहन भी नीचे, ये तीनों नीचे है, तो ये ज्यादा विकेट ले लेगा आपका, वैसे दो दो बचे हुए हैं, तो एक तो कौन कौन राहुल हो गया, एक तो राहुल हो गया, बिट्टू आ गया, मोहन आ गया, लक्ष्मण रह गया, तो दो अगर दो ऑप्शन होते तो फिर हम कंफ्यूज हो सकते थे, नहीं तो अब आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। मीडियम को बोला गया, ये प्रीफेयर को क्या बोलेंगे, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो आपका सिर्फ पहले तीन में, पहले तीन में आप देखोगे, पहले तीन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ वन का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है, सिर्फ वन का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, माइनस वन का, तो लास्ट के तीन में आपको क्या दिखाई देगा, माइनस टू का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, बस आपको क्या करना है, पहले तीन में माइनस वन कर दो, सभी में माइनस वन करोगे तो क्या आएगा, ओ पी, पी के पीछे ओ, आर के पीछे क्यू, और ई के पीछे डी, ओ क्यू डी इसमें नहीं है और सभी में है, अब इन तीनों में क्या करो, माइनस टू कर दो, एफ एफ से दो पीछे ले जाओ, छह से दो पीछे ले जाओ, डी आएगा तो डबल डी आएगा, सभी में है, ई में दो माइनस करो तो सी आएगा, और आर में दो माइनस करो तो पी आएगा, तो पी इसमें नहीं है, इसमें यहाँ पर डी नहीं सी आना चाहिए था, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोला कि इंटरचेंज करने के बाद इक्वेशन को, ये सिक्स और टू को इंटरचेंज किया है इसने भाई, ठीक है, तो इंटरचेंज करने के बाद सॉल्यूशन देना है, तो नाइन नाइन एज इज डिवाइड सिक्स और टू को, टू को यहाँ ले आओ, सॉरी सिक्स को यहाँ ले आओ, इंटू टू कर दो, प्लस में फाइव माइनस वन, तो ये आपका टू थ्री जा, क्योंकि डिवाइड में है, और नो टू मल्टीप्लाई में थ्री से थ्री कट गया, थ्री प्लस फाइव कितना हो गया, एट हो गया, एट माइनस वन करोगे तो सेवन आ जाएगा, कितना प्यारा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीरीज का क्वेश्चन है, तो सीरीज का क्वेश्चन आप देखोगे अल्टरनेट डिजिट्स का, हम देखते हैं 94 से 92 ले जाओ, 92 से 2 ये माइनस टू हो रहा है, इधर आप प्लस टू कर दो तो आगे प्लस टू करना पड़ेगा आपको, सिंपल सा है, 109 आपका राइट आंसर दे देगा, कितनी अच्छी सीरीज थी, आप अभी आराम से बना सकते थे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिरर इमेज है तो मिरर आपकी बार नीचे रख दिया, तो नीचे रखने का मतलब क्या होता है, अगर ये डाउन है ये अप है, तो डाउन अपवार्ड की तरफ आ जाएगा और अप डाउन की तरफ आ जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट दे रखा है, तो आप मैच कर लीजिए कैसे होगा, तो मैं इस ट्रायंगल को देखता हूँ, ट्रायंगल की जो होगा ना वो आपकी बार नीचे की तरफ फेस करेगा, तो नीचे की तरफ फेस करेगा तो ये तो ऊपर की तरफ कट हो जाएगा ये ऑप्शन। ओके, तो ट्रायंगल ये आपका वैसे भी ऊपर की तरफ फेस दिया हुआ है, कट हो जाएगा, और यहाँ पर ये एज इट इज नहीं होगा, क्योंकि ट्रायंगल जो होना था वो आपका नीचे होना था, ठीक है, सॉरी। ओके, तो यहाँ नीचे इधर रखा, लेकिन ये जो होना था यहाँ पर होना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं आपको, 11th, बोले कि आठ बॉय हैं जो कि नाम दे रखे हैं, सर्कुलर टेबल में टूवर्ड सेंटर की फेस सेंटर की तरफ किया हुआ है, बना दो भाई, आठ होगा, एक दो
चार पांच छह सात आठ, ये लो सेंटर की तरफ फेस और कर देते हैं इनका। लेकिन आप है ना इन चीजों में टाइम वेस्ट मत करना, जितनी जल्दी हो सकता है ना कैलकुलेशन करने के लिए कोशिश करना। अगर हाँ प्रैक्टिस हो तो आपकी अच्छी बात है। तो सेंटर की तरफ इनका फेस करवा दिया मैंने, बोला कि विवेक इज 10 सेकेंड टू द राइट ऑफ अनिल, पहले राइट लिख देता हूँ, नीचे वाले का राइट इधर होगा, ऊपर वाले का राइट इधर होगा, ऊपर वाले का लेफ्ट इधर होगा और नीचे वाले का लेफ्ट इधर होगा, ठीक है। राइट ऑफ इज विवेक इज सेकेंड टू द राइट ऑफ अनिल, विवेक जो है अनिल के सेकंड राइट में, तो पहले अनिल को बैठा दो, यहाँ पर मैं अनिल को बैठा देता हूँ, राइट में अनिल का राइट इधर होगा, तो इधर सेकंड पूछा तो विवेक यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ओके, अनिल इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ रामू, फोर्थ राइट ऑफ रामू है, तो इसका मतलब रामू जो होगा वो उसका लेफ्ट में होगा, तो लेफ्ट इधर होगा, तो फोर्थ लेफ्ट ले लो, 1 2 3 4, यहाँ पर कौन है रामू। ओके, संजय इज थर्ड टू द राइट ऑफ राम, संजय जो है थर्ड है राइट ऑफ राम, राम का भी दिया नहीं है, तो राम बोला कि राम इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ विवेक और कमल, विवेक के साथ तो बैठा नहीं, तो विवेक के साथ नहीं बैठा राम, यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, तो अगर मैं राम को यहाँ बैठाऊ एक बार के लिए, और कुछ भी है, रामू इज इमीडिएट नेबर नोट, राहुल के साथ रामू नहीं बैठा, ओके, तो रामू अपना यहाँ पर बैठा है, तो राम राम इज द संजय इज द थर्ड टू द राइट ऑफ राम, थर्ड राइट, तो 1 2 3, 1 2 3 पर राम बैठा, तो राम को हम यहाँ नहीं बैठाएंगे, राम को एक पोजीशन चेंज करवा दीजिए, राम की पोजीशन यहाँ ले लेता हूँ मैं, ठीक है। 1 2 3, यहाँ पर राइट इसका है, तो यहाँ पर संजय बैठा है, ठीक है, यहाँ पर कौन है संजय है, ओके राइट संजय है, और कमल जो है विवेक के राइट में, विवेक के साथ नहीं बैठा, तो विवेक के साथ नहीं बैठा, या तो कमल यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, और रामू जो है राहुल का पड़ोसी नहीं है, तो कमल को यहाँ बैठा दो, क्यों, क्योंकि राहुल भी तो बैठाना, राहुल अभी है ही नहीं है, अभी तो राहुल को यहाँ बैठा देते हैं, कुंतल फिगर ना बन जाए हमसे। ओके, तो अनिल हो गया, कमल हो गया, राम हो गया, संजय हो गया, आकाश रह गया, तो आकाश को मैं यहाँ बैठा देता हूँ, वैसे भी कोई जिक्र नहीं दे रखा आकाश को, तो इमीडिएट नेबर ऑफ अनिल एंड राम, अनिल और राम का, अनिल और राम का नेबर पूछा इसका और इसका नेबर पूछा, तो यहाँ पर इसका ये नेबर रहा राहुल, ठीक है, तो राहुल आपका आंसर आ जाएगा। था थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन, मतलब अच्छा क्वेश्चन दे रखा था, अगर आप फिर ये लो, फिर सर्कुलर टेबल आ गई, तो सर्कुलर टेबल आगे तो बैठा दो, 8 बॉयज हैं, यहाँ पर भी 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सर्कुलर टेबल है फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, आपकी बार अपोजिट कर दिया भाई, ये लोग बाहर की तरफ इनको बैठा दे, बाहर की तरफ बैठाया है, कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, तो इनका राइट ऊपर वाले का इस साइड हो जाएगा, ऊपर वाले का लेफ्ट इस साइड हो जाएगा, इसका राइट इधर हो जाएगा, इसका लेफ्ट नीचे वाले का इधर हो जाएगा अपोजिट में। रामू इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ अक्षय, पहले हटा दिया, रामू इज इमीडिएट राइट ऑफ अनिल, अनिल के राइट में रामू बैठा है, तो अनिल को यहाँ लगा देता हूँ और इसका राइट इधर नीचे आ जाएगा, तो रामू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। राहुल इज इमीडिएट नेबर ऑफ आकाश, अभी आकाश में नहीं बैठा, विवेक इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कमल, राम इज इमीडिएट नेबर ऑफ, क्या क्या दे दिया, बैठाने पड़ेंगे भाई अलग अलग पोजीशन में, रामू जो है वो आकाश और संजय के साथ नहीं बैठा, ठीक है, रामू जो है बैठा दिया, अरे रामू की तो आई नहीं, राहुल इज द इमीडिएट नेबर ऑफ आकाश, राहुल आकाश के साथ है, ओके, विवेक इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कमल, विवेक जो है कमल के लेफ्ट में है, विवेक विवेक और विवेक के राइट में हो जाएगा ना कमल, तो ये हम कमल बैठाए मैंने, राम इज इमीडिएट नेबर ऑफ आकाश और विवेक, राम जो है आकाश और विवेक का क्या है नेबर है, राम को मैं ऐसी जगह बैठाता हूँ राकेश सॉरी आकाश और विवेक के बीच में कौन आ गया, राम आ गया, ठीक है, तो मैं इसको राइट ले रहा हूं, तो यहां पर मैं अगर
रामो के साथ आकाश और संजय नहीं बैठा है, तो रामो के साथ मैं यहाँ राहुल को बैठा देता हूँ, राहुल को। फिर इधर राइट आ जाएगा आकाश, इधर राइट आ जाएगा राम, इधर राइट आ जाएगा विवेक, क्योंकि विवेक और आकाश के बीच में ना, तो यहाँ से ये सीधी लाइन ले ली मैंने। फिर इसके राइट में कमल आ जाएगा, और एक ही बचा, कौन बचा? संजय बचा, संजय यहाँ बचा। देखते हैं, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ संजय, लेफ्ट ऑफ संजय, थर्ड लेफ्ट, तो थर्ड लेफ्ट इसका नीचे की तरफ होगा, वन टू थर्ड, तो थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है? राम बैठा, तो राम आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। फैन, फैन को ये बोल दिया गया है टॉर्च, मेरे ख्याल से प्लस और रखा है, तो आप देखोगे तो 6 + 1 + 14 21 आ गया, 20 + 15 + 18 + 3 + 8, इसका सम कर दीजिए, 20, तो 2 इधर +1 ले लेता हूँ, 20 और 20 40, 40 और 15 65, सॉरी 40 और 15 55, 55 और 9 64, 64 आपका राइट आंसर दे देगा, सम हो रहा है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। इंटरचेंज करने पर नॉट करेक्ट बताना है, नॉट करेक्ट, तो सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट होंगे, एक ये ऑप्शन नॉट करेक्ट है, इसको मैं चेक कर देता हूँ, क्यों इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 5 और 6 को चेंज करना, 6 माइनस क्या कर रहा है, 6 - 3 मल्टीप्लाई 5 इधर आ जाएगा, +4 आ जाएगा, तो 3 × 5 = 15 आ जाएगा, 6 - 15 + 4 तो 6 और 4 = 10 होता है, -15 कर दो और आपको कितना आंसर दे देगा, -5 दे देगा, लेकिन यहाँ -3 दिया हुआ, तो इस वजह से ये गलत हो गया, और सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट होंगे, प्लीज प्रैक्टिस पर ध्यान दे रखने को। इसको फिल करना, तो इसको फिल करोगे तो यहाँ से सर्कल बना लो, ठीक है, और इसको आगे कर दो 100, और इसको ऊपर ले जाके इसके ऊपर ये बॉक्स रख दो, ठीक है, कुछ इस तरह का फिगर आपको देखने को आएगा, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल मैच हो रहा है, सेकंड ऑप्शन में ऊपर आएगा फिर बॉक्स, ये गलत हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन में ये लाइन सीधी आनी चाहिए था, गलत हो गया, ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन में ये सर्कल कुछ ऐसे आना चाहिए था, ये गलत हो गया, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि 50, 39, 27, 14, 10, तो चेक करोगे तो 11 का डिफरेंस है, -11, -12, -13, -14 और -15 का डिफरेंस, हाँ 15 का, तो -15 आपका राइट आंसर दे देगा, बहुत प्यारी सीरीज दे रखी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो कोई ये बोल दिया पाम, कोई ये बोल दिया, तो 20, 15, 16, 26, 9 क्या दे दिए, 23, ठीक है, तो क्रॉस में नहीं होगा, तो सीधा ही करके देख लो, +6 हो रहा है, -6 होगा, +7 होगा, ठीक है, तो इसमें ये लॉजिक लगा दो, SQB 19 17 2, +6 हो जाएगा, +6 करोगे तो 25 आता है, 25 पे वाई आएगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बीच में के दे रखा है, और लास्ट में देख लेते हैं, इसमें लास्ट में +7 है, +7 है, तो +7 करोगे तो 9 आता है, 9 पे क्या आता है, आई आता है, जे नहीं आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बीच में एक बचा हुआ है, यहाँ पर एक बचा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा, किस तरह से आएगा, ये आपको पता लगाना है। ग्लोब को बोल दिया 40, ग्लोब के नंबरिंग यूज कर लीजिए, 12, 15, 2 और 5, 20 हो गया, तो 20, 40 और 41, 41 सम आया है इनका, चलो चेक कर लेते हैं ग्राफ को, 7 और 18 + 1 + 19 + 19, 7 और 18 25, 25 और 20 45, 45 19 64, ठीक है भाई, एक कम दिया गया है, इधर भी एक कम दिया गया है, तो हमें एक कम करना है, तो 8 + 1 9 + 14 23 + 4 27 + 25, 52, 52 में से -1 कर दो, तो 51 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, 11 को 122 बोल दिया गया, तो 11 के क्या लिखा, 11 का सुकेर करके +1 कर दिया, क्योंकि 11 का सुकेर आप करोगे तो 121 होता है, +1 करोगे तो 122 होता है, 14 का सुकेर करोगे तो 196 होता है, +1 करोगे तो 197 हो जाएगा, सिंपल सी चीज ये दी गई है, तो आपको 18 का स्क्वायर करना है, 324, 324 में +1 करोगे तो 325 आपका राइट आंसर दे देगा, कितना प्यारा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि ये फिगर आपने ध्यान देनी है, ये फिगर आपको
और ये फिगर कौन से ऑप्शन में मैच कर रही है, हमें मैच बताना है। तो देखते हैं तो क्या आंसर आएगा। तो आप चेक कर लीजिए, कुछ ऐसे फिगर थर्ड ऑप्शन राइट दे रहा है, तो हम थर्ड ऑप्शन में मैच करेंगे कि किस तरह का ये फिगर दे रखी है इन्होंने। सीधा करके लाइन को तिरछा कर दिया, सीधा करके ये सीधी लाइन हो गई, ये तिरछा कर दिया और यहाँ पर ये बना दी। ये फिगर आपके पास दी गई है उस क्वेश्चन में। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। तो आज की इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके हैं अपने जो भी थर्ड शिफ्ट का एग्जाम है रीजनिंग के। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ आए होगी। एक एक क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे तरीके से कराया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।